तो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, तो काफी ज्यादा क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो कि पहले भी थे, तो मैंने कभी आंसर नहीं दिया। तो आज मैं उन सभी क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर दूंगी। और तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा हैं। पहले है फर्स्ट जाट 6055 का है। अच्छा इंसान बनके क्या मिला? बस पता नहीं क्या मिला, कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, चौधरी वरुण जाट, क्यों परेशान रहती हो? जब जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, और फेस करने वाले सिर्फ और सपोर्ट सिर्फ मैं खुद हूँ, तो फिर परेशानी हो जाता है। आपकी बेस्ट फ्रेंड जो आपके साथ ना होने पर भी साथ हो, ऐसा कोई नहीं है। मिस्टर रविश, लाइक यू एंड योर सादगी, थैंक यू। आप इतनी सैड क्यों रहती हो अभी यादव? पता ही नहीं, ये मेरे को खुद को ही नहीं समझ में आता क्यों रहती अभी यादव। फ्यूचर का प्लान क्या है आपके? मेरे फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है। हाँ, फ्यूचर ही ना दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मलिक रितिका फर्स्ट, आप शादी कब कर रहे हो? पता नहीं, कुछ भी, कोई मैं कुछ नहीं। शादी शुदी जरूरी है करनी, शादी शुदी जरूरी है। अतुल पंडित, दीदी मेरा नाम अतुल शर्मा है, आप दीदी इतने सैड क्यों रहते हो? देखो, आप सैड रहते हो तो अच्छा नहीं लगता। थैंक यू भाई, इतनी फिक्र कर रहा है। और बस कोई कोई वीडियोस मेरी बस ऐसी हो जाती है कि मेरे से बन जाती है, रिलेटेबल सी नहीं होती, वो लग जाता है जैसे वीडियो आती चली जाती है ना, तो लगता है, तो फिर मैं वीडियो बना देती हूँ। विशाल सैनी, बड़े मंदिर कब जाओगे आप? मुझे मिलना है आपसे वहाँ। भाई, जब गुरुजी बुलाएंगे मैं तब जाऊंगी, और अभी कुछ बन नहीं पा रहा। मतलब है तो हमारे पास में ही, बट फिर भी प्लान सा नहीं बन पा रहा। अमन प्रीत, राम राम जी बड़ी दीदी, जय हिंद, जय हरियाणा, राम राम जी बड़ी दीदी, राम राम भाई, बहुत बढ़िया। अजय कुमार, आपकी स्माइल बहुत प्यारी लगती है, हमेशा खुश रहा करो। थैंक यू, धन्यवाद दिल से। आर यू मैरिड? नो 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 नो। माई सेल्फ कुणाल 07, पुरानी यादों को भुलाने की कोई दवा आपके पास? 8 साल से उसकी याद आ रही है। भाई मैं तो देखो इतना ही कहना चाहूंगी कि देखो, हम बुला तो किसी को भी नहीं सकते है ना, हम किसी को भी नहीं बुला सकते क्योंकि वो चीज़ अब माइंड में तो है ही। बस ये है कि उसको डिलीट कर देते हैं अपनी जिंदगी से, और कुछ भी ना है। आपकी आंखें इतनी खूबसूरत क्यों है सचिन चौधरी? हाँ पता ना, कोई कुछ तो कुछ बता दे है। पता नहीं। हम मेरे साथ आईटीआई में क्रिकेट खेलते थे, याद है आपको? संध्या ठाकुर, देखो ऐसे खेलती तो बहुत लड़कियां थी वहां पे, तो ऐसे कुछ याद तो देखो मेरे को है नहीं। जब तक ताड़ा गिर गया मारा जब तक ऐसे कोई फोटो वोटो ना देख लूँ तो कैसे याद कर सकते हो ना। आपकी शादी कब है? पता नहीं दीदी आप ठीक है, मेरी सिस्टर बनोगी क्या? हाँ भाई, मैं तेरी बहन हूँ, क्या दिक्कत है? आप इतने दुखे दुखी क्यों हो? लाइफ इज सो प्रीशियस, कीप ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू। मिलना चाहूँ आपके साथ एक पिक, आई एम फूजी। कोई नहीं, कभी कोई दिल्ली आता है, माई नियर बाय साकेत की तरफ आता है, तो आप मैसेज करना मेरे को, बिल्कुल, अगर मैं हुई तो यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल भाई। ऑलवेज लव यू, खाटू श्याम की दया आप पर हमेशा बनी रहे। थैंक यू केपी गुजर एयरफोर्स। क्या हुआ सर जी? मेरी बस ऐसे मुस्कुराते बहन, मेरी बहन बस, आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। तरुण गुजर, थैंक यू सो मच। आपकी आँख ज़्यादातर लाल क्यों रहती है? मेरे को खुद को समझ में नहीं आता कि मेरी आँख इतनी रेड क्यों रहती है। पता है जैसे मैं जिम विम भी करती हूँ ना, या कुछ भी ऐसा, मैंने मतलब मेरी आईज ना बहुत जल्दी रेड हो जाती है।
मेरे को खुद को समझ में नहीं आता कि क्यों हो जाता है। जैसे तबीयत खराब हो जाती है ना, फिर हो जावे, पता नहीं क्यों हो जावे। आपकी हाइट रक्षिता, मेरी हाइट है 5.6। नाम रोहित है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने सेट क्यों रहते हो, बस पता ही नहीं। आप मेरे फेवरेट हो, एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप कभी भी दिल्ली में साकित की तरफ आओ तो भाई मुझे जरूर बताना। जय वर्मा, रोए ना करो जी, मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ आपको देख के, बस थैंक यू। आप शादी कब कर रही हो श्वेता जी? के किस रोड? पता नहीं, कुछ नहीं पता। शादी शुदी चल रही है, हमने मौज लो, क्या अच्छी ना लगती हूँ देखा ना जी तुम। स्वीट गर्ल, मेरे हस्बैंड आपकी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ आप उनको बोलो कि मेरे से बात कर लें प्लीज़ यार। आपको लगाम लगानी ज़रूरी है ना? ये टट के लगाम लगाओ कि भाई क्यों देखे है तू, है ना? कुछ नहीं, कुछ दिन से ज़्यादा सैड हो, सैडनेस आपके फेस पे अच्छी नहीं लगती, सो प्लीज़ कीप स्माइल। रोहित, आगे का सरनेम थोड़ा सा अलग सा है, बड़ा सा नहीं गया, मतलब मैं गलत बोल दूंगी तो फिर वो अच्छी चीज़ नहीं है ना, इसलिए उसको अवॉइड कर दो। डेविल, फेस वॉश कौन सा यूज़ करते हो? मैं कुछ यूज़ नहीं करती, फेस वॉश की तो छोड़ो तुम। मैं उसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है। अनुराग, हेलो मिस, आई एम बिग फैन ऑफ यू मिस, आप अब भी सिंगल हो क्या? मुझे आपसे मिलना है। ओ अच्छा, ठीक है भाई। सोमवीर, कैसे हो जी? आपका कौन सा गांव है? आपकी फैमिली में सब ठीक है? बहुत बढ़िया है सब मेरी फैमिली में, और सब ओके हैं। तन्वी, आपकी शक्ल मेरे जैसी है बिल्कुल, और तीत भी, ठीक है। थैंक यू। मूव ऑन कैसे करें जी, क्या ही बताऊँ मैं से तो ना, मेरे का तो टाइम लग रहा है, सही बताऊँ तो ना, मेरे का तो बहुत टाइम लग रहा है। आपकी वॉइस इतनी प्यारी लगती है, बता नहीं सकता, और आपसे मिलकर बातें करना चाहता हूँ जी, बस बताओ। प्रदीप जाट, बातें और मैं करती नहीं। आपकी स्माइल देख के बहुत दिन हो गए। हाँ ही, मैं यही कर देती हूँ, देख लेना। जब वो मूव ऑन कर डैश है तो आप भी कर लो, अच्छा नहीं लगती हो। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ, गुड हूँ मैं। तो भाई ख़त्म हो चुकी है यहीं पे, और जिसकी आपको इंतज़ार है ना, जो आप लोग मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, देखो वो भी किसी की लाइफ है, और मैं नहीं इंटरफेयर करना चाहती, ना किसी का नाम लेके और ना किसी को कुछ। तो खुश रहिए आप सभी, और मेरी बहुत लोग फिगर करते हैं, आई नो। तो धन्यवाद आप सभी का, आप लोग इतना बोलते हो, मुझे सैड मत रहा करो, और मैं कोशिश करूंगी कि सैड बिल्कुल भी ना रहूं, और खुद पे वर्क कर रही हूँ अभी, धीरे धीरे चीजों से ना निकल रही हूँ, तो उसके लिए टाइम लग रहा है। वो बोलते हैं ना, जितने गहरे जख्म उतना वक्त लगता है, तो मेरे साथ वो हो रहा है। तो मैं सिर्फ अपनी चीजें बता नहीं सकती, और बना दर्द मुझे भी होता है, इंसान हूँ मैं भी एक दिल रखूँ तो मुझे भी ज़्यादा, बस जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, यही सुना है आज तक, और इसी पे मैं भी निर्भर हूँ कि जो हो गया अच्छे की तरह हो गया, और आगे का जो भी सीन होगा, जो भी प्रोसेस है, वो धीरे धीरे आप लोगों के, मतलब आप लोगों को जरूर बताती रहूंगी मैं। तो जो होगा आप लोगों को जल्द से जल्द एक न्यूज़ मिलने वाली है, अच्छी वाली न्यूज़ मिलेगी, और बस कुछ वक्त लग रहा है, मतलब लाइक कैसे भी लगा लो कि रिलेशन को लेके या कुछ भी, तो जरूर पता लग जाएगा आप लोगों को भी। तो आप अपने घर में सभी अच्छे रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, और मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि
फैमिली से बड़ा कोई सपोर्ट नहीं है आपके लिए आपकी लाइफ में। तो राम राम जी, जय श्री राम सभी को।